हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉलम का डी सेटरिंग होने के बाद यहाँ पर हनी कॉम कुछ वाइट से रह गई थी। तो यहाँ पे हम लोग 1-3 का मसाला दे करके 1 मीन्स सीमेंट और 3 बालू, ठीक है, जो भी नापी कर सकते हैं, जैसे गमला हो गया या कुछ भी मेजरमेंट के लिए, उसे 1-3 का मसाला बनाकर यहाँ पे अच्छी तरह से हनी कॉम को फिल किया जा रहा है। अगर आपके साइट पे भी या आप अपना घर बना रहे वहाँ पर ऐसे हनी कॉम दिख जाए, गड्ढा गड्ढा दिख जाए, तो यहाँ पर सेटरिंग के तुरंत बाद ही मसाला यहाँ पर फिल कर दे और अच्छे से फिनिशिंग कर दे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साइट है, यहाँ पर बीम का डिसेटरिंग हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग हनी कॉम फिलिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है ये करना। जैसे ही डिसेटरिंग हो तो वैसे ही एक मिस्त्री लगाकर यहाँ पर हनी कॉम फिलिंग कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं गड्ढा गड्ढा दिख सकता है, ये हमारा प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं यूज़ होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो हम लोग जब भी कास्टिंग करेंगे तो अच्छे से वाइब्रेटर यूज करेंगे, जिससे हमारा हानि कम होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है मेरा मकसद बताने का वीडियो में, कि बीम का फिनिशिंग, बीम हो या स्लेब हो या कॉलम, कहीं पर भी हो तो ऐसा फिनिशिंग दे देना है सीमेंट और सैंड को अच्छे से मिक्स करके, और हमारा जो सैंड बालू जो रहेगा वो अच्छा एकदम मतलब कि उसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि छाना हुआ मतलब होना चाहिए। जो प्लास्टर में जो यूज करते हैं ना, वो वाला हमारा बालू यहाँ पर यूज करना है 1-3 के मसाला में। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बोरी से यहाँ पर उसको फिनिशिंग कर रहा है, जैसे कि अच्छे से पता ना चले और अच्छे से फिनिशिंग भी मिल सके। तो यही है आज की वीडियो में दोस्तों। अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे बेनिफिट यह होगा टाइम पर वीडियो लाते रहेंगे हम।